मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के गांव ताजपुर में एक मकान का लेंटर अचानक धराशायी हो गया, जिसमें एक मजदूर की दबने के कारण मौत हो गई। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। दरअसल गांव ताजपुर के एक मकान की छत का लेंटर जैक की सहायता से उठाया जा रहा था, जिसमें अचानक कोई तकनीकी खराबी आने के कारण लेंटर अचानक भरा भरा कर गिर पड़ा। इस हादसे में एक मजदूर लेंटर के मलबे में दब गया। मामले की सूचना पर भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और भारी मशक्कत के बाद मजदूर को मलबे से बाहर निकाला, लेकिन तब तक मजदूर की मौत हो चुकी थी। वहीं मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारे यहाँ गांव में रविंदर सुनो श्याम सिंह के यहाँ मकान पे कार्य चल रहा था निर्माण का, जिसमें एक मजदूर गुलफाम सनोप नसीम जो हादसे में वो छज्जा गिरने की वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो और तुरंत उसकी मृत्यु हो गई, जो खतौली इस्लाम नगर का निवासी था। पुलिस बल आ गई, सारी मीडिया आ गई, सब गांव वालों ने उसका सहयोग किया। जो भी बेचारा था वो बड़ा दुख का विषय है, ये ऊपर वाले का कहर है, सब लोग उसके साथ हैं। ये गुलफाम इस्लाम नगर खतौली थाना खतौली। जनपद मुजफ्फरनगर के जानसर थाना क्षेत्र में दो बाइकों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की सूचना डायल 100 पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को जानसर CSC में भर्ती करा दिया, जहां से घायल युवक को गंभीर अवस्था के चलते जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के कुशल स्वास्थ्य की कामना को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष संजय चोपड़ा के संयोजन में बिरला घाट पर मां गंगा के समीप मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना कर मां गंगा की विशेष आरती की गई। मां गंगा से कामना की गई कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शीघ्र ही स्वस्थ होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच आकर मिशन 2019 के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दें। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का उत्तराखंड से एक विशेष लगाव रहा है। उत्तराखंड को विकसित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के रचनात्मक सुझाव के साथ भारत की मोदी सरकार उत्तराखंड को एक मॉडल उत्तराखंड बनाने के लिए विशेष रूप से ध्यान दे रही है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कई बार अपने उत्तराखंड में दौरे के दौरान मां गंगा की स्वच्छता में उत्तराखंड वासियों के लिए नई सौगात के साथ भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हम सब की मां गंगा से यही कामना है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शीघ्र ही स्वस्थ होकर मिशन 2019 का लक्ष्य कार्यकर्ताओं के साथ निर्धारित करें। इस अवसर पर बिरला घाट पर मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना करते हुए मां गंगा की आरती करते हुए भूपेंद्र राजपूत, ओम प्रकाश भाटिया, मनीष शर्मा, विमल कुमार, मोहन लाल, सनी पवार, विकी गुप्ता, गोपाल कृष्ण, राजकुमार कश्यप, प्रभात, वीरेंद्र पंडित, रविंद्र कीर्ति पाल आदि मौजूद रहे। देखिए आज माँ गंगा की विशेष पूजा अर्चना करके माँ गंगा से हमने कामना की है कि माँ गंगा जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी को जल्दी स्वस्थ करे, क्योंकि अमित शाह जी का उत्तराखंड से एक लंबा नाता रहा है, लंबा मैं समझता हूँ कि उनका लगाव रहा है उत्तराखंड से। और अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि उत्तराखंड को किस प्रकार से खुशहाल बनाया जाए। अभी चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे ऑल वेदर रोड हो, और चाहे कृषि की योजना हो, चाहे व्यापारियों से संबंधित योजना हो, लगातार भारत सरकार जो है उत्तराखंड को उसमें प्राथमिकता दे रही है, क्योंकि गंगा जो है गौमुख से निकलकर जो है गंगा सागर जाने का काम करती है, और उत्तराखंड से गंगा जी नहीं यमुना जी भी निकलती हैं, और तमाम जितनी अन्य नदियां हैं वो सारी की सारी उत्तराखंड से निकलती हैं। मैं समझता हूं कि मोदी सरकार का झुकाव है, और लगातार आपने देखा होगा मोदी जी केदारनाथ भी आए, और हमेशा उन्होंने जो है उत्तराखंड को विकसित करने के लिए प्रयास किए हैं, और मैं समझता हूँ कि अमित शाह जी ने उन प्रयासों को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज हमने माँ गंगा से यही कामना की है, हे माँ गंगा अमित शाह जी को जल्दी स्वस्थ करे, ताकि आने वाला जो 19 का लोकसभा का चुनाव है उनकी व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, और मैं समझता हूँ कि माँ शक्ति माँ गंगा उनको जो है दीर्घायु के साथ साथ
ऐसी शक्ति प्रदान करे ताकि 19 के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्व की तरह, पूर्व की भांति इस भांति भी सारी अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दे। उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय के बाहर हिंदू मंच ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष मुकेश भारद्वाज ने कहा कि हमारे पास बहुत दिन से कई लोगों की शिकायत आ रही थी कि उनका राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ा हुआ है, इसको लेकर अधिकारियों के कई महीनों से चक्कर काटे जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा, जिसको लेकर उन्होंने यह प्रदर्शन किया है। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। देखिए भाई साहब, राष्ट्रीय हिंदू मंच को कार्यालय पर बैठे हुए मैं भी अक्सर सुबह से शाम तक का वक्त देता हूँ राष्ट्रीय हिंदू मंच के अपने कार्यालय पर, राष्ट्रीय कार्यालय पर। राष्ट्रीय हिंदू मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि जनता की जो समस्याएं हैं उनका निदान हो। लगभग 5-6 दिन से 7-8 दिन से मेरे पास रोज एक से एक बढ़कर के समस्या आ रही थी कि जिला पूर्ति के अधिकारी के यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारा राशन कार्ड नहीं बन रहा है। राशन कार्ड जो व्यक्ति सुबह 9 बजे राशन कार्ड बनाने की लाइन में लगा, आते आते नंबर उसका 2 बज गए, 2 बजे उन्होंने खिड़की बंद कर दी, खिड़की बंद करके कह दिया आप कल आइए। एक व्यक्ति 8 दिन से लाइन में लग रहा है और 2 बजे तक उसका नंबर आते रहते खिड़की बंद हो जाती है, कभी वो है कभी कोई दूसरा है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। डीएसओ साहब को फ़ोन करते हैं, डीएसओ साहब कहते हैं कि ये नंबर ही रोंग है, नंबर ही नहीं बता रहे हैं, अपना ना बात करने के मूड में है। अब इस तरीके से जो समस्याएं हैं पब्लिक की, तो इनको कौन हल करेगा? यहाँ पर के आप देखिए, एक मेरे पास ये समस्या आई हुई है, क्या नाम है भैया आपका? ये मेरा नाम पंकज है। पंकज है, ब्रह्मपुरी की समस्या है, सोमवती नाम की समस्या है, ये इनकी माता जी का नाम है। ये भाई साहब फॉर्म लिए हुए 1 महीने से चक्कर काट रहे हैं। अब इसमें भी देखिए घपला कहाँ है, वो मैं आपको बता दूँ। ये आम आ रहे हैं कि इनका आयुष्मान योजना का जो कार्ड है वो बनना है। आयुष्मान योजना के कार्ड के लिए उन्होंने कहा है कि ये आप अपने राशन कार्ड को ऑनलाइन करके आइए। ये ऑनलाइन करने यहाँ आते हैं, ऑनलाइन की समय इनको दे दिया गया मार्च के बाद का, कोई कहता चुनाव के बाद आना। अब आप देखिएगा प्रधानमंत्री की आयुष्य योजना का सच, देखिए आप प्रधानमंत्री आयुष्य योजना का सच ये है कि चुनाव के बाद ये धरातल पे आएगी, क्योंकि चुनाव से पहले तो मतलब ही नहीं है। डीएसओ फोन नहीं उठाते, कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, तो कैसे आयुष्मान योजना कैसी योजना है ये, मेरी तो समझ में नहीं आ रही। और जिस तरीके से इनका रवैया है और जिला पूर्ति अधिकारी का जो रवैया है, जिस तरीके से चल रहा है, ये राष्ट्रीय हिंदू मंच बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। आज इनको समय दिया गया है कि शायद डीएसओ साहब इसको अपने रवैये को बदलें और जनता के काम जल्दी से जल्दी करें, मार्च का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री अपने भाषण के अंदर कहते हैं कि आयुष्मान योजना चालू हो गई है, कहाँ चालू हो गई? धरातल पर देखिए ना कहाँ चालू हुई है। इनको कह रहे हैं मार्च के बाद, कोई कह रहा है उसके बाद जब इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद आना आप, तो ये कैसी आयुष्मान योजना है भाई, मेरी समझ में नहीं आ रही है। और बाकी आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग इसकी खोजबीन कीजिए, आप देखिए कहाँ पे क्या हो रहा है। आगे कदम ये रहेगा यदि 1-2 दिन के अंदर समस्याओं का समाधान नहीं होता है और मार्च की जगह तत्काल आयुष्मान योजना के और ऑनलाइन इनके कार्डों को नहीं किया जाएगा, तो राष्ट्रीय हिंदू मंच किसी भी स्तर तक गुजर सकता है। वो जो आयुष्मान का करवाना था ना, तो वो कह रहे हैं कि आयुष्मान का तब होगा जब ऑनलाइन करवाओगे राशन कार्ड को, तो ऑनलाइन करवाने यहाँ आए हैं तो वो लोग कह रहे हैं मार्च में होगा। यानी कह रहे हैं कि कार्ड 3-4 बार आ चुका है, वो ये कह रहे हैं आधार कार्ड से करवा लो, आधार कार्ड से वहाँ हो नहीं रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि और अब मार्च के बाद होगा जो भी होगा इलेक्शन के बाद, और जिन्होंने दे दिया है उनके कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे। 2 साल से राशन कार्ड बनाओ पड़ा, जितनी बार आऊँ इतनी बार यूँ कह दो मैडम नहीं है, बताओ किससे लूँ मैं राशन कार्ड अपना। यूँ कहा कि मैडम आवेगी 10 दिन में, वो जब लेके जाना, नाम भी नहीं बता रहे मैडम का। साल हो गया 17 में बनवाया था मैंने, कई बार आ गई मैं, बहुत बार आई, पिछले साल भी आई, अब भी आई, अब मुझे जरूरत पड़ रही थी मैं कब लिया हूँ, अब भी मना कर दिया उन्होंने मुझे। बताओ, नहीं भैया मैंने किसी से नहीं बात करी, बस यही हुई मेरी जो बात हुई, अब मैंने किसी से नहीं कुछ कहा। समस्या ये थी, क्या कहते हैं, आयुष्मान कार्ड बन रहे थे ना, तो उसमें मेरे राशन कार्ड में 3 नाम कटे हुए थे, ठीक है,
तो मेरे को चढ़वाने थे। अब ये कह रहे हैं एक महीने बाद होगा जो कुछ भी होगा, और प्लस क्या कहते हैं मेरा राशन कार्ड वाइट वाला आ रखा है, जिसमें कि वो राशन वाले ने पांडे ने 1500 रुपये मेरे से मांगे थे, उसमें कि मेरे को कह रहा है जब 1500 रुपये दोगे जब आपको कार्ड मिलेगा, और जब बनना तो पीले वाला कार्ड चलेगा आपका काम के लिए। ये कम से कम एक डेढ़ महीने पहले भी आया था मैं, लगभग 3-4 बारी आ गया, कम से कम हो गया 5-6 महीने हो गए ऐसे ही घूमते घूमते, कोई कार भी नहीं हुई, और अभी भी आया तो कम से कम सवा महीने का टाइम दे रहे हैं। और जो वहाँ के दुकानदार है जो राशन देते हैं जिनके, उनके यहाँ ने 6-8 महीने पहले महिलाओं के नाम के जो कार्ड बनने हैं उनकी पूरे कागज लगा करके जमा करा दिए, और वहाँ गए वो बोलते हैं तहसील में जाओ तहसील से कागज मिलेंगे, और तहसील में आए तो वो बोल रहे कि उनसे बहस करो जाके, इनसे पूछा आगे भाई हमारा कार्ड जो है 6-8 महीने हो गए कागज जमा हुए महिला के नाम का जो बनना है महिला मुखिया के नाम का, आज तक कार्ड कोई नहीं मिला। भाई साहब मैं देख रहा हूँ जनता की समस्या हमारे पास दिन पर दिन शिकायतें आ रही कार्यालय पे कि भाई साहब हमारा राशन कार्ड नहीं बन रहा, नाम नहीं छेड़ रहे हैं, जबकि ये महिलाओं का हो गया है, पहले पुरुष के नाम से बनता था महिलाओं का बन गया है। अब ये राशन में महिलाओं के नाम को चढ़ाने के लिए बच्चों के नाम को चढ़ाने के लिए लोग महीनों चक्कर काट रहे हैं और उनको राशन तक नहीं मिलता। राशन की दुकानें में लोग जाते हैं, उन्होंने कहा भाई नाम पहले ऑनलाइन कराओ तब जाके आपको राशन मिलेगा। मतलब ये जो सरकारी राशन आ रहा है मुझे लग रहा है ये ब्लैक में बिक रहा है, ये देखिए कि मुझे लग रहा है वो ब्लैक में जा रहा है। भाई जब महीनों राशन नहीं मिल रहा जो जनता को और जनता की समस्या नहीं का समाधान हो रहा तो क्या फ़ायदा ऐसी योजनाओं का और ऐसे राशन कार्ड बनाने का। तो आगे ये रहेगा, मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रीय हिंदू मंच से मैं हरिद्वार की जनता, जबकि मैं जिला अध्यक्ष हूँ तो मैं जनता की समस्याओं का समाधान जब तक नहीं होगा जब तक मैं अपना निरंतर प्रयास करता रहूँगा, निरंतर हमारा राष्ट्रीय हिंदू मंच आगे की रणनीति बनाता रहेगा और अधिकारियों के कान खोल देगा, उनकी आंखें खोल देगा। मतलब ये देखिए कि हमारा संदेश आज हम यहाँ आए, उनको खबर मिल गई कि हम लोग आए और प्रदर्शन करना है, तो अब ये काम खिड़की बननी हुई काम चालू है। और मैं जानता हूँ कि अगर ऐसे संगठन जो भी हरिद्वार के सामाजिक संगठन हैं उनको आना चाहिए जनता की समस्या के लिए, और राष्ट्रीय हिंदू मैं बड़ा गर्व से हूँ कि हम जनता की समस्या को लेकर आगे आएँ और निरंतर आगे आते रहेंगे। और अगर ये काम अगर जल्द से जल्द तत्काल नहीं हुआ, यहाँ कार्ड नहीं बने लोगों के, समस्या इनकी समाधान नहीं, तो राष्ट्रीय हिंदू मंच किसी भी हद तक जाएगा जनता की समस्या को समझने। पंजाब के अबोहर में लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय कांग्रेस संगठन ने गुरुवार से विधानसभा क्षेत्र पल्लुआना के गांव बुर्दमुहार से अखिल भारतीय कांग्रेस संगठन ने अध्यक्ष नियुक्त किया। गांव में एक समारोह के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंग्रेज मेघवाल एवं पंजाब अध्यक्ष घनश्याम पंचकोसी ने गांव बुर्दमुहार निवासी श्रीमती गुरप्रीत कौर को गांव बुर्दमुहार से संगठन का अध्यक्ष नियुक्त करते हुए नियुक्ति पत्र सौंपा। पंजाब के बटाला में सीवरेज और सड़कों के हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं और प्रशासन को कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। प्रशासन को जगाने के लिए दुखी बटाला वासियों ने रोष प्रदर्शन करते हुए अपना रोष जाहिर किया। ताजा मामला बटाला में उमरपुरा चौक पर तब देखने को मिला जब श्री हरगोविंदपुर सड़क पर बढ़ती नई आबादी कॉलोनी के वासियों ने सड़क में मंदे हालातों के चलते उमरपुरा चौक से मिलती 4 सड़कों को जाम कर रोड प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस मौके पर लोगों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालात गंभीर देखते हुए तहसीलदार बटाला मौके पर पहुंचे और लोगों को आश्वासन देने के बाद लोगों का गुस्सा शांत कराया। अज यह नहीं कि तुम कह सकते श्री हरगोबिंदपुरा रोड का ही हालात है, इसलिए पूरे शहर के ऐसे हालात हो चुके हैं कि जोड़ा बटाले में इसलिए शहर कहने भी सू जी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो जोड़ा बटाला इस तो पहला जरा नरेश है तो लोधी नगर की लड़ाई में बटाले ने भोगया, जी लीडर की लड़ाई जी भोगनी जी बटाले पैंती है। हूँ जी सेखड़ी की तो मंत्री साहब भी झगड़ा चलन दिया, ये जरा भुगतना सानू पैन दिया। असं चाहते हाँ कि जो लीडर में झगड़ा है आपस में बह के अंदर निपटान, तो जो बटाले के लोगों का जो बनता हक उन्होंने देन, शहर के हालात सुधारन, नहीं तो अब इस इलाके में लाया तो आम एक गल हो जाएगी। बटाले तकरीबन रोज़ का रोज़ एक ना कोई धरना लगेगा जहाँ जो इसलिए हालात चल रहे बटाले काफ़ी टुटिया हुआ 15 साल तो बड़िया सरकार आई, अकाली दल भी आई, कांग्रेस भी आई, होर भी लीडर बहुत आते हैं फोटो फटना खाँच खिचा के खा जाते हैं, कोई भी यदा कोई हल नहीं करता। तो बाकी इतने मौत भी हो चुकी ने 4-5,
बजुर्गों दियाँ बच्चों दियाँ बाहवें टुट जाए जब स्कूटरी स्लिप कर जाती है डिगते एक्सीडेंट बहुत होंगे आ जोड़ा सीवरेज जोड़ा साडा रोड है ना यदि कोई भी सुनवाई नहीं हैगी एक 8 करोड़ रुपया आया वा बटाले में एक 2-3 महीने पहल वो पता ही नहीं जे कितने लगा जे तो बाकी साड़ी मंग ये भी इतने सीवरेज साफ करने वाली गड्डिया आईया वा उन्होंने तुरंत हूँ ही इतने भेजा जाए तो जो साडे रोड का काम शुरू कराया जाए फिर असी धरना चुकांगे नहीं तो ये अणमिथे समय वास्ते श्री हरगोबिंदपुर रोड बंद कर दिता 8 धरने लाए जी 6 अल्टीमेट दिते बाकी पेपर के मीडिया के बच्चे मेरे ख्याल 8 दिन तो लगातार चलन दिया है कोई भी नहीं पुछ किस भी कोई नहीं करना तहसीलदार आया ही वो सानू कह गया कहिंदा कि तुसीं मैनू दे दिंदे हो मैं फोटो कापी करा के तो गाड़ी एस डी एम दे दिंदे आ तो एस डी एम अजे तक साढ़े को मंग पत्र लैन नहीं जाए 15 धरने लाते योजी जो पैसा हूँ 8 करोड़ रुपया आया वा हूँ जिदे को आया वो दसे सामने आए जनता दे सामने आए ये अपने पैसे पुए अपन गड्डिया गुड्डिया खरीदी जाते हैं कोठिया काठिया खरीदी जाते पेट्रोल पंप अपने लाई जाते हैं ये जो गरीब बंदे आना कोई सुनवाई नहीं अगे हम श्री हरगोबिंदपुर अणमिथे समय वास्ते पक्का बंद करता जो फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई अज मैं वड्डा एक ऐलान करांगे घट तो घट 1000 ही बंदे लैके फिर पाकिस्तान वाली बसा दोवें घेर के बह जाएंगे आने वाली जी लोग सभा वा वो साढ़े इतने जोड़े आ धरने के बैठे ने 6 MC ने साढ़े अपने उधरों ही जड़िया अगलिया वोटा होना MP दी आने वाली बाइकाट करेंगे ये डिमांड है कि साडे जो सीवरेज बोर्ड जो वा साडे आके तो इमीजिएट जो सीवरेज ब्लॉक जो है ठीक करे इन्हों रिक्वेस्ट की गई है कि तुम अपना मैंबरों में समझो अभी डिपार्टमेंट में बुला के जरा वा इन जो बनती है उन्होंने पैसा करवा के शुरू करवा देने परंतु ये कहते हैं कि असी जो तुम कोई मैंबर नहीं देना तो ये उन्होंने आपस जो इन्हों की मर्जी हैगी देखो असं तो नहीं कह सकते भी तुम जबरदस्ती दो पर जो सू रिक्वेस्ट एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे वो तो अं योग कर यूज करा देखो जी लेकिन ये तो कंसर्न डिपार्टमेंट की गल हैगी है असं तो उन्होंने सिर्फ तालबे करा के शुरू कराने वास्ते उन्होंने हदायत करेंगे भी जल्दी जल्दी किया जाए बाकी सारे उचित कार्यों ध्यान च चीज़ क्योंकि जी फाइनल डिसीजन जोड़ा वा या जी भी कार्रवाई है संबंधित महकमे की जानी है उन्होंने बुला के असं इंस्ट्रक्शन देवे भी इमीडिएट कराया जाए। जनपद मुजफ्फरनगर के जानसर थाना क्षेत्र के गांव सलालपुर में खेत के डोल विवाद को लेकर दो किसानों के पक्षों में जमकर संघर्ष हो गया जिसमें दो लोग घायल हो गए। शुक्रवार को क्षेत्र के गांव सलालपुर में खेत के डोल के विवाद को लेकर दो भाई आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर हमला कर दिया जिसमें जिलेदार पुत्र उमेद अली ने पावड़े से दिलदार पुत्र गुलशेर पर हमला कर दिया जिसमें दिलदार को काफी चोट आई है। मामले की सूचना पर डायल 100 पुलिस मौके पर पहुंची और सूचना के बाद पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जानसर पर भर्ती करा दिया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार देने के बाद दिलदार की हालत को नाजुक मानते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। जनपद सहारनपुर के ब्लॉक गंगो के तीतरों में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है जहां पुलिस ने घेराबंदी के बाद एक स्मैक तस्कर को हथियारों के साथ दबोच लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे साथी धरपकड़ अभियान के तहत तीतरों पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में चौकी प्रभारी गोवर्धन दास शर्मा ने मुखबिर की सटीक सूचना पर अपनी सूझबूझ एवं योजनाबद्ध तरीके से गांव झाड़वन कांटे के पुल से जंगलों में घेराबंदी के बाद एक शातिर स्मैक तस्कर फारूक पुत्र वहीद को हजारों रुपए की स्मैक एवं धारदार हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। तीतरों प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने उक्त घटना का खुलासा करते हुए बताया कि अपराधी फारूक बड़े लंबे समय से क्षेत्र ही नहीं जनपद में स्मैक तस्करी के लिए कार्य कर रहा था जो पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है। इसके विरुद्ध कई मुकदमे भी पंजीकृत हैं। पुलिस टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर घेराबंदी करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चंदवत सहारनपुर के ब्लॉक गंगो के नगर पंचायत तीतरों में नगर पंचायत ईओ एजाज अहमद एवं नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार ने असहाय व कमजोर वर्ग के लोगों को कंबलों का वितरण किया। उन्होंने इस पुनित कार्य की संज्ञा देते हुए कहा कि ऐसे कार्यों के लिए समाज के सभी वर्गों के लोगों को पूर्ण संवेदनशीलता से आगे आना चाहिए। इस अवसर पर वरिष्ठ लिपिक राजकुमार सहित गणमान्य लोगों के साथ कई सभासद भी मौजूद रहे।
जनपद बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया, जहां तेज गति के कारण 30 के करीब गाड़ियां आपस में टकरा गई। दरअसल हादसा कोतवाली बागपत क्षेत्र में हुआ है, जहां हरियाणा की तरफ से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी आपस में टकरा गई, जिसके बाद एक के बाद एक गाड़ियां टकराती चली गई। एक्सप्रेसवे पर वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। इतना ही नहीं, गाड़ियां कागज की माफिक एक्सप्रेसवे पर बिखर गई। इस हादसे में एक नेपाली परिवार भी फंस गया। इतना ही नहीं, एक्सप्रेसवे पर हुए इस हादसे में 2 दर्जन के करीब लोग घायल हुए हैं। फिलहाल हाईवे पर एक साइड का आवागमन रोक दिया गया है। अभी गाड़ियों की गणना नहीं की जा सकी है, सब लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं और जो लोग घायल थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा चुका है। बाकी सारी टीमें लगी हुई हैं, जॉइंटली ऑपरेशन चल रहा है। अमर छत्री, कहाँ के रहने वाले हैं? नेपाल चितवन। तो कैसे हुआ हादसा? पैसा हुआ आगे एक दो गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था, हम ऐसे आ रहे थे जैसे वो ड्राइवर लोग ऐसा ब्रेक मार दिया, थोड़ा आगे गाड़ी में धकल आ गया, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ, पीछे से आ गया और गाड़ी मार दिया, हम बाकी इधर इधर गए। जनपद बागपत में सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव जयंत चौधरी की पत्नी पर अमर्यादित टिप्पणी की गई है। 4 युवकों ने व्हाट्सएप और फेसबुक पर चारू चौधरी के खिलाफ अश्लील कमेंट किए। इतना ही नहीं, आरोपियों ने रालोद पार्टी को चरित्रहीन महिला की संज्ञा दे डाली। गठबंधन को लेकर पार्टी पर भी आरोपी युवकों ने टिप्पणी की है, जिसके बाद चौधरी और पार्टी पर हुई अश्लील टिप्पणी से रालोद कार्यकर्ता बिफर गए और एडिशनल एसपी से शिकायत कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। रालोद कार्यकर्ताओं की शिकायत पर एडिशनल एसपी ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। दरअसल ये पोस्ट किसी गौरवदास शर्मा के नाम से युवक के अकाउंट से की गई है, जिसमें कई लोगों द्वारा कमेंट का जवाब भी दिया गया है। इतना ही नहीं, पोस्ट में राष्ट्रीय लोकदल पर भी कमेंट कर चरित्रहीन नारी की तरह बताया गया है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव जयंत चौधरी की पत्नी पर किए गए कमेंट के बाद जिला कार्यकर्ताओं में रोष उत्पन्न हो गया और इसकी शिकायत बाकायदा पार्टी के पूर्व विधायक व पदाधिकारियों ने पुलिस ऑफिस पर घेराव करते हुए की, जिसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये श्री पूर्व विधायक श्री वीरपाल राठी जी के द्वारा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल आया था आरएलडी का, और इनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है, ये प्रार्थना पत्र दिया गया है कि इनकी पार्टी के जो नेशनल लीडर हैं श्री जयंत चौधरी, उनकी धर्मपत्नी के विषय में कुछ अमर्यादित टिप्पणी फेसबुक पे की गई है। तो इनके प्रार्थना पत्र पे इमीडिएट संज्ञान लेते हुए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का मुकदमा दर्ज करने के लिए मेरे द्वारा थाना बड़ौत में निर्देश दे दिया गया है। मुकदमा दर्ज हो रहा है और शीघ्र ही आवश्यक विधि कार्रवाई होगी। अभी कल रात से फेसबुक पे कुछ बदतमीज लोग, जिन्हें ये तमीज नहीं है ना उनके कोई संस्कार है, वे किसी भी बड़े व्यक्ति के खिलाफ रोज लिखते हैं। कल हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उनकी जो पत्नी है चारू चौधरी जी, उनके खिलाफ भी उन्होंने कुछ ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। उन चीज़ को लेकर हम कप्तान साहब से मिले और यही मांग की कि जो ये इस तरह के जो किराए के और बेवजह समाज में गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई। ये तो सब किराए के लोग हैं, पता नहीं जो पार्टी सत्ता में होगी उनके ही होंगे और किसके होंगे। ये सोशल मीडिया पर फेसबुक अकाउंट पर कुछ नौजवानों ने हमारी नेत्री जयंत चौधरी जी की पत्नी चारू चौधरी, जो राष्ट्रीय लोकदल में अहम भूमिका निभाती है, उसके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी कुछ नौजवानों ने की। हम उस बात को लेकर के आज एसपी साहब से मिलने आए थे ताकि उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। को ग्रुप नहीं है, अलग अलग हैं। एक लड़का कोई शामली जिले का है, एक मेरठ का है, एक बड़ौत का है, बागपत जिले का कई एक लड़के हैं। गौरव शर्मा की वो पोस्ट है, गौरव शर्मा नाम का एक लड़का है, गौरव देव शर्मा और सौरभ देशवाल। किसी पार्टी से है ये? पार्टी से क्या, ये तो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। शामली के कैराना कोतवाली में खराब कानून व्यवस्था को लेकर हटाए गए थाना अध्यक्ष भगवत सिंह का विदाई समारोह एक अनोखे अंदाज में मनाया गया है। भगवत सिंह को घोड़ी पर बैठा कर ढोल नगाड़ों के साथ कस्बे के मेन बाजार से जुलूस निकाला गया। कैराना की सड़कों पर दूल्हे राजा की तरह घोड़ी पर सवार होकर एसओ भगवत सिंह सड़कों पर नजर आए। जुलूस के दौरान कैराना कोतवाली में तैनात दलों का सिपाहियों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर डांस भी किया। पुलिस कर्मियों के इस लाइव डांस की तस्वीरें
हलचल इंडिया के कैमरे में कैद हो गई। दरअसल तस्वीरों में घोड़ी पर बैठे दूल्हे राजा की तरह दिखने वाले कोई और नहीं, शामली जनपद के कैराना कोतवाली के प्रभारी भगवत सिंह हैं, जिन्हें एक दिन पूर्व कैराना कोतवाली से थाना अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। दरअसल दूल्हे की तरह दिखने वाले थाना अध्यक्ष भगवत सिंह को गोगोशी व खराब कानून व्यवस्था में संलिप्तता पाए जाने पर बर्खास्त कर दिया गया था। एसओ भगवत सिंह पिछले काफी समय से कैराना कोतवाली में एसओ के पद पर तैनात थे, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते शामली के मलाईदार थाने में अपनी मनमानी कर रहे थे। इसकी शिकायत फरियादियों व स्थानीय लोगों ने एसपी शामली से की थी, जिनकी शिकायत पर तत्काल प्रभाव से एसओ भगवत सिंह को बर्खास्त कर राजेंद्र नागर को कैराना कोतवाली का चार्ज दिया गया था। देखिए हलचल इंडिया की यह खास रिपोर्ट।